नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जिससे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जिसे ना सिर्फ भारत देश में ही बल्कि कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। लोग इस पर्व को खूब मनाते हैं और पूरे 9 दिन देवी माँ की धूमधाम से पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व का देश और विदेश दोनों में ही काफी महत्व है, पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर देवी माँ की भी इज्जत नहीं की जाती। पाकिस्तान अपना स्तर गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में नवरात्रि के मौके पर कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से गिरी हुई हरकत की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नगर पार्कर स्थित में माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई और साथ ही देवी माँ की प्रतिमा को भी विखंडित कर दिया गया। ये जानकारी पाकिस्तान की जानी मानी स्वतंत्र पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने असामाजिक तत्वों की घटिया करतूतों के बारे में बताया। नायला ने अपने ट्विटर में लिखा, हिंदू समुदाय द्वारा वहां पर नवरात्र की पूजा किए जाने के बाद ये घटना हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के मस्तक को ही तोड़कर अलग कर दिया गया है और साथ ही उनके वाहन शेर की मूर्ति के साथ भी तोड़फोड़ मचाई गई है। पाकिस्तान का हिंदू समुदाय वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों के भय के साए में जीता रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध के बदौल जिना घनौर शहर में अक्टूबर 10, 2020 को एक हिंदू मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद इस्माइल शैदी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इस्लाम ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया था और फिर मौके से फरार हो गया था। पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि इस घटना के बाद सिंध पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि उन्हें इस घटना की सूचना मिली है और वो दोषियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें जांच के दौरान कुछ इनपुट्स भी मिले हैं। ये घटना महाअष्टमी के दिन हुई, जिसे दुर्गा पूजा के 9 दिन में सबसे पवित्र माना जाता है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। स्थानीय पुलिस से हिंदू समुदाय नाराज हैं और दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध का थारपारकर जिला जैन और हिंदू प्रभाव वाली अपनी समूह ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। वहां ऐतिहासिक चूड़ियों जबल दुर्गा माता मंदिर भी है। अतीत में इस जगह पर जैन धर्म के लोग बड़ी संख्या में वहां रहते थे। वहां पर कई मशहूर जैन मंदिर भी हैं। नगर पारकर तहसील की आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है और वहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी करीब 90,000 है। अब सवाल उठता है कि हर बार ये हमले हिंदुओं की मंदिरों पर क्यों होते हैं। इन हरकतों को देखकर ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। ये अगर अपनी मजहब का इतना आदर कर सकते हैं तो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना सही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।